नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर अमृतसर में दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की अमृतसर से, जहां पर पानी की पाइपलाइन को लेकर यह झगड़ा हुआ है दो गुटों में। तो बड़ी खबर, जहां पर मारपीट में एक युवक पंजाब के अमृतसर में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो गुटों में मारपीट हुई जिसके बाद एक शख्स घायल हो गया उस मारपीट में। तो अमृतसर में दो गुटों में खूनी संघर्ष सामने आया है। बड़ी खबर उस वक्त की पंजाब के अमृतसर से, जहां पर पानी की पाइपलाइन को लेकर झगड़ा हुआ। तस्वीरें आप सबके सामने हैं, जहां पर किस तरह से दो गुट एक दूसरे पर लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं, आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर जसबीर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? जी वैभव, ये अमृतसर के पास में पड़ता है, जंडियाला गांव के पड़ता है पास में गांव, वहां पर ये वाकया हुआ है। और पानी के लेकर यहां पे दोनों ही गुटों में जो झगड़ा है, ये काफी विवाद जो पुराना चल रहा था, लेकिन आज लेटेस्ट जो है वो पानी की वजह से जिनका जो झगड़ा है आज हुआ है, वो काफी मारकुटाई हुई है। आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लाठी डंडे से ये एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरे के कपड़े भी फटे हैं, काफी जो है एक दूसरे से मारपिटाई जो काफी लंबी चली है। लेकिन एक पानी को लेकर इतनी बड़ा विवाद जो है वो बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल पुलिस को दोनों ही गुटों की तरफ से कंप्लेन कर दी गई है और पुलिस जांच कर रही है कि इनकी आखिरकार ये रंजिश है क्या, जिसको लेकर ये दोनों ही गुट आपस में झगड़ पड़े और पाइपों से लेकर डंडों से एक दूसरे से जो है प्रहार कर रहे हैं। फिलहाल किसी को गंभीर तौर पर कोई भी चोट नहीं लगी है। मामला जो है अभी पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार इसका समस्या इसमें है क्या। जसबीर, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस जो है दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बीच सड़क पर इस तरह से गुंडागर्दी करना, आपस में मारपीट करना, पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है, किसी की गिरफ्तारी की है या फिर गिरफ्तारी की बात कही है? बिल्कुल, पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस का यही कहना था कि अभी छानबीन की जा रही है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस गुट का भी जो मेन रोल रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। फिलहाल किसी भी दोनों गुटों की तरफ से किसी की भी जो गिरफ्तारी है वो नहीं की गई। फिलहाल जो अभी मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद जो भी बनती कार्रवाई होगी वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन ये एक अपने आप में एक सवाल निशान है कि लोग जो है कानूनी व्यवस्था के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, कि आए दिन ही ऐसे मामले जो है सामने आते हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने का गुरेज भी नहीं करते। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कंप्लेन कर सकते हो, आपका एक राइट है, वो राइट को यूज कर सकते हो आप। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।